प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज के हमारी विजिट है गांव मदीना जिला रोहतक हरियाणा के अंतर्गत। यहां पर अजय दांगी भाई हैं जिन्होंने काफ़ी शानदार गोपालन कर रखा है, काफ़ी लंबे समय से गाय रखते आ रहे हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर जितने भी जो प्रतियोगिताएँ होती हैं गायों की, वहाँ पर ज़रूर देखा होगा अजय भाई को। तो विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी गायों को लेकर जाते हैं। भिवानी मेले में भी जो ये बच्चिया थी इसने भी पोजीशन प्राप्त की थी, और जो वो गाय है उस गाय ने उसकी बेटी ने अनेकों बार लाखों रुपए के इनाम जीते हैं, और अजय भाई का पूरे हरियाणा में नाम रोशन करवाया है। तो अब जो गाय बिल्कुल ब्यात पर आ चुकी है, जो लीलावती नाम की जो ये बड़ी गाय है, मात्र 13,000 रुपये में लेकर आए थे एक समय पर, और आज इस गाय ने लाखों रुपये इनाम जीत कर अजय भाई का घर भर दिया। और इसी की जो बेटियां हैं, इसी की बेटी वहां पर पीछे है, और इसी की बेटी यहां पर ये जो बिजली नामकरण कर रखा है। तो काफ़ी सुंदर सुंदर बछड़ों को भी जन्म दिया है। तो अजय भाई काफ़ी जो नेक दिल इंसान है जिन्होंने फ्री में जो बछड़े हमें भेंट स्वरूप दिए हैं, उस गाय का जो लास्ट वाली जो वो गाय है, उस गाय का बछड़ा पिछले ब्याज जो आकाश भारद्वाज भाई के पास है चंडीगढ़ में, अब जो फ्री में दिया था काफ़ी अच्छा जो नंदी बनकर तैयार हो चुका है। और इसी प्रकार अब की बार का बछड़ा भी जो अजय भाई जो निःशुल्क देना चाहते हैं, ताकि हरियाणा नस्ल को और भी तेज़ी से बचाया जा सके। तो यहाँ पर ये देखिए आप, जो ये बछिया है राधा नाम की, मात्र फर्स्ट टाइमर ही है, काफ़ी अच्छी जोर्डर क्वालिटी है। और जो इस गाय की जिसने 20 लीटर दूध निकाल कर दिखाया है, इसका भी जो अडर काफ़ी विकसित अडर है, काफ़ी मोटे मोटे थन है, थनों का गैप है, तो देखने से ही पता लग रहा है कि कितना दूध निकाल देगी। तो आइए अजय भाई से मिलते हैं, आपको बताएँगे और भी बारीकी से इन गायों के बारे में। तो अजय भाई राम राम। राम राम भाई राम, आपका मेरे गांव में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन है, और आपका धन्यवाद करता हूं कि इतना कीमती टाइम निकाला मेरे लिए और मेरी गायों के लिए। जी जी, गाय के बारे में बताएं, जैसे लीलावती नामकरण कर रहे हैं, जैसे कौन से प्यात में है? अब की बार ये 8वीं बार बच्चे को जन्म देगी जी, और अब से पहले इसने 3 फीमेल काफ को जन्म दिया है और 4 मेल काफ थे इसके जी। अभी इसके ब्याने में 1-2 दिन शेष रहता है, और डेट के अकॉर्डिंग इसके दिन कम्प्लीट हो चुके हैं फिलहाल। जी जी, तो कितना लीटर कुछ दूध निकाला, वैसे तो सभी को पता, फिर भी जो नए अगर लोग देख रहे हैं तो उनको बताएं। नॉर्मल डाइट में 19-20 लीटर इसने दूध घर पे निकाल के दिखाया हमारे, लीटर को 1 किलो को 20 किलो के आसपास तक ये रहती है हर टाइम पे। जी जी, और एक काफ़ी लंबे समय तक दूध देती है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो जो इसी की बेटी वो जो पीछे है, हाँ ये इसके साथ ही आई थी जब हम इसको स्टार्टिंग में लेके आए 2014 में, तो ये इसके नीचे आई थी बछड़ी। तो अब ये जो लीलावती गाय किससे क्या बिन है? अभी ये HLDB के सीमन हैरी जो ABS वालों का है उसके सेक्स सीमन से प्रेडेंट है। जी जी जी, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बुल है, हैरी बुल, और ऊपर से सेक्स सीमन हो गया। हालांकि अगर ऐसी ऐसी गायें अगर बछड़े लेकर आएँ तो भी उन बछड़ों का जीवन काफ़ी अच्छा रहता है, नस्ल संवर्धन में अधिक रुचि दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ये गाय है इसके बारे में और बताएं थोड़ा सा आपकी। ये पिछले 1 साल पहले 3री बार बच्चे को जन्म दिया था, बीच में 1 साल ये हमारी कमी लगा लो या डॉक्टर्स की कमी लगा लो बीच में रिपीट होती रही, पर अब दोबारा ये रुद्रनाथ से प्रेग्नेंट है, उसके सीमन से प्रेग्नेंट है, 3 महीने के आसपास की गैप बिना, अभी ड्राई पीरियड चल रहा है इसका। जी जी जी, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर इसकी अगर हाइट देखी जाए तो अपनी माँ से भी ज़्यादा हाइट, देखिए आप काफ़ी बड़ा सिंगों के बीच में पोल है, हाइट लेंथ इस गाय की काफ़ी अधिक है। तो डिस्क्रिप्शन में जब ये गाय ताज़ा बही थी उसकी वीडियो का लिंक भी आपको जो मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो। और जो ये गाय है इसके भी जो सिंगों के बीच में पोल देखा जा सकता है, गलकंबल या सुंडिया नाप भी थोड़ी सी नामात्र है, और जो मिल्क वेन है पूरे शरीर पर चमक रही हैं, काफ़ी जो मोटे मोटे जो मुठिया थन है यहाँ पर गाय के, ये देखिए आप काफ़ी बड़े बड़े थन है ये देखिए, तो काफ़ी अच्छा दूध उत्पादन निकाल कर दिखाती है। ऐसी ऐसी गायों की वजह से ही आज हरियाणा नस्ल का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, विख्यात है। तो जो इसी की बेटी है ये जो, हाँ ये इसी की बेटी है, बिजली नामकरण कर रखा है। हाँ इसका जो फादर कौन है? ये भी सेक्स सीमन की है, HLDB का जब हैरी जो बुल है वो HLDB के पास होता था उस टाइम ये इसका सेक्स सीमन प्रोवाइड करवाया था। बेटी है ये भी। जी जी, तो सिंगों के बीच में इसका भी पोल बखूबी से देखा जा सकता है, और सुंडियाना भी नाम मात्र है। तो कितने महीने की गाय है जो भाई? अभी ये 3.5 महीने के आसपास प्रेग्नेंट है। तो अभी से जो थनों का जो आकार है ये देखिए आप, कितने मोटे मोटे और कितने बड़े बड़े थन हैं। और अजय भाई ने बताया कि जब इस गाय को गाभिन करवाने ले गए फुल नंदी से गाभिन है ये बवकबरपुर में जो गौशाला है वहाँ पर, जो अरफुल नाम का जो नंदी है काफ़ी
अच्छी थुई का नंदी है, उससे जब ज्ञापन करवाने लाए तो क्या बोले एकताऊ जी, बताएं एक बार। एकताऊ जी, मैं इसको प्रेग्नेंट करवाने के लिए लेके गया तो एक अच्छी एज थी उनकी, कम से कम भी 50-55 के आसपास थी उनकी एज। वे बोले कि ये तो पहले ही 5-6 महीने के ज्ञापन है, इसको क्यों नहीं करवाने के लिए लाया तुम जी। तो किस तरह से कहा था उन्होंने? उन्होंने बस नीचे की स्पेसिंग देख के और जो इसकी अंडर क्वालिटी उस टाइम पे उसको देख के बोला था जी। तो जब ये गैप भी नहीं हुई थी तभी से इसके जो थन इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े थे, इसकी अंडर क्वालिटी ऐसी थी जैसे हरियाणा में कहा जाता ओकमण लगी। तो ओकमणा उसे कहते हैं जब जो अंडर को विकसित करने लग जाती है। अभी 3 महीने की गैप भी ना, फिर भी काफ़ी मोटे मोटे और बड़े बड़े थन हैं, तो आने वाले समय में अपनी माँ से भी ज़्यादा दूध निकाल कर दिखाएगी। तो मदर और फादर दोनों साइड से काफ़ी अच्छी प्रलाइन की है। और ये जब इसकी 2 ही साल के आसपास हुई है जी जी जी, 2 साल की पूरी नहीं हुई होगी अभी। हाँ तो अजय भाई, इसके बारे में और बताएं, जो आपकी राधा गाय है। ये मेरी राधा बछड़ी, मैं इसको परचेज करके लाया था 5.5 महीने के आसपास, प्रेग्नेंट बताई थी अगलों ने जी। तो मैं अपने रिस्क पे ही लेके आया था इसको, उस टाइम पे 55,000 की लेके आया था मैं जी। उस टाइम पे ये भी नहीं था मेरे के ये नई है या नहीं है, बस ये सोच के लाया था कि काफ़ी सुंदर है और मेरे को एक बार देखते ही पसंद आ गई थी जी। और उसके बाद फिर ये भगवान की दया से प्रेग्नेंट भी मिल गई और अब ये 19-20 दिन की ताजी ब्याई बछड़िया। तो कितना कुछ लीटर दूध निकाल कर दिखाया है? अभी इसके नीचे कम से कम 12 किलो के आसपास दूध है। बछड़े को एक थन छोड़ता हूँ और उसके अलावा 3 थनों का 5-5.5 किलो दूध निकालता हूँ मैं इसका एक टाइम का। तो फर्स्ट टाइम अगर 12 लीटर देती है तो अवश्य ही 4वें-5वें ब्याह तक 20 किलो दूध तक पहुँच जाएगी। तो ये देखिए आप, विकसित अंडर है काफ़ी अच्छा, जो इसका जो लेवटी है काफ़ी अच्छी, जो स्पेसिंग है थनों की, और बिल्कुल शांत शरीफ गाय है। कोई आओ इसके पास किसी को कुछ नहीं कहेगी। ये देखिए आप, बिल्कुल शांत, बस भाई बस। ये देखिए आप, इस तरफ से देखिए थनों को। हालांकि अब जो दूध का समय हो चुका है इसीलिए ज़्यादा उतावली हो रही है बच्चे को दूध पिलाने के लिए। तो अजय भाई, जैसे आपके पास इतना गोदन है, आप बेचो भी किसी को या नहीं? नहीं, पहली चीज़ तो इतना बढ़िया गोदन कहीं मिलता नहीं जी। और दूसरी चीज़, बहुत सारे ठग व्यापारी हैं जो रोज़ 3रे-4थे दिन फ़ोन कर ले हैं या फिर रोज़ आकर अगर आप पूछे हैं कोई दे दो, पर इतना बढ़िया गोदन मैं तो सोचूं कि आज के दिन हरियाणा में एक खुट्टे पर नहीं मिलेगा जी जी। तो कोई भी मतलब सेल खातर अवेलेबल नहीं, वैसे भी नहीं देनी चाहिए। अच्छी अच्छी गायों को अपने हरियाणा से निकालते जा रहे हैं। अगर उनको खुद रखनी है तो भी अलग बात है। अच्छी अच्छी गायों को खरीद के खुट्टों से और बाहर बेचते जा रहे हैं। जो गाय के नाम पे धंधा करेगा, एक तरफ इनको गौ माता बोलते हैं और दूसरी तरफ जो किसान है उनसे झूठ बोल के ले जाते हैं, घर रखूंगा ये करूंगा, फिर इनको कहीं यूपी या फिर कहीं और दूसरे महाराष्ट्र वगैरह पहुंचा देते हैं, तो वो चीज़ गलत है जी जी। इससे अच्छा है कि अपने लोकल किसानों को ही दो जी जी, व्यापारियों के ना फंसो। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे 2 पैसे कम चली जाए लेकिन लोकल खुट्टे पर देंगे तभी गाय सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो गोपालन है अजय भाई का, ये देखिए आप, फर्स्ट टाइमर बछिया है राधा, और पूंछ को ऊपर उठा लिया है। गाय पूंछ को तभी ऊपर उठाती है तब उसको आनंद आता है। तो अब बिना न्याणे के आराम से दूध निकाल रही है, नहीं तो फर्स्ट टाइमर गाय बड़ी उछल कूद करती हैं, लेकिन बिना पैर बांधे बिल्कुल आसानी से प्यार प्रेम से जो दूध दे रही है। और अब 2 थनों का दूध निकाला जाएगा, बाकी जो बछड़े को पिलाया जाएगा।